गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुनीतास लाइफ स्टाइल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, यहाँ हमारे लिए नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, क्योंकि वाटर बहुत ठंडा है, पानी बहुत, इस वजह से। क्या खाओगे? बिल्कुल पियोगे? जी। नीता वहाँ पर मिल्क पी रही है। ये सारे बर्तन धोने, अभी हस्बैंड लंच करके ऑफिस चले गए, अभी ये बर्तन धोती हूँ मैं, फिर आपसे। क्या किया आपने? पानी बंद। ओह, लोबिया के अंदर पानी डाला। ओके, थैंक यू। इस डिनर में मैं लोबिया बनाऊंगी, तो इस वजह से ये बुनीता ने पानी डाल दिया। मैंने कहा मैं डाल रही हूँ, तो बुनीता ने अभी सॉक करने के लिए मैंने रखे हैं। गाइस, मैं कर रही थी डीप क्लीनिंग किचन की, लेकिन बुनीता देखो अंदर सो गई है। अभी देखो इसकी शरारतें। आपके बच्चे, किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, जल्दी से कमेंट्स में। गाइस, ये देखो इतना सारा कचरा हुआ, जितना भी कर लो। ये देखो मैंने काफ़ी चीज कर ली है, बाकी एक दो ही रहते थे। बुनीता प्लीज़ बच्चा करने दो। तो गाइस देखो बुनीता कैसे मेरी हेल्प कर रही है। गाइस, पुनीता को खानी है पूरी और हलवा खाना। बोल रही है मम्मा मुझे पूरी खानी है और हलवा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है बना। तो पूरियाँ मैंने यहाँ पे बना दी। अभी इसको सिर्फ ऑयल गर्म हो जाए फ्राई कर लिए। सूजी का हलवा बनाती हूँ, थोड़ा सा घी और गर्म हो जाए। यहाँ पे हलवे के लिए मैंने थोड़ा पानी गर्म करने के लिए। तो गाइस, इसके अंदर मैंने देसी घी डाला, इलायची डाली, फिर थोड़ी सी सूजी और थोड़ी सी बेसन दोनों डाली है हलवा बनाने के लिए। इसको मैं भूनती हूँ। बुनीता की फरमाइश, ये देखो पुड़िया और हलवा सूजी का और बेसन का। गाइस, बुनीता एंजॉय कर रही है अपना लंच, पूरी और ये क्या है? हलवा, पूरी हलवा। यमी है। यू लाइक इट? यू वेलकम। सब हो गया है, अभी हाफ किचन क्लीन कर लिया है, अभी हाफ रहता है, हाफ निकल करूँगी। तो अभी बस झाड़ू पोछा वगैरह लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हस्बैंड भी आने वाले, शाम हो गई। बुनीता ने अपना लंच इंजॉय किया, अभी प्ले कर रही है अपने रूम में। यस, ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? ऊपर आए, ऊपर कपड़े वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, कल धोए थे मैंने, तो सोचा अभी तक हस्बैंड नहीं आए, वेट करते करते अब ऊपर आ गई हूँ। ये सभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी बॉइल कर दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। अभी मैं कीनवा बना रही हूँ। कीनवा ये मैंने पानी में वॉश कर ली है, अभी इसके अंदर डालूँगी। ऑयल वगैरह कुछ भी मैं नहीं डालूँगी। ये कीनवा खाने में बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह इनमें बहुत होता है, सेहत के लिए, और जो डाइट वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये जल्दी डाइजेशन वगैरह हो जाते हैं। आप भी ट्राई करना, इसकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत किस्म से ये बनते हैं, आपकी मर्जी है जिस किस्म से बनाओ आप। तो कहीं इसके अंदर मैंने ऑयल डाला, फिर ऑनियंस बसर डाले, अभी मैं इसको भून रही। तो कहीं अभी इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और हल्दी पाउडर और ये जीरा और ये लाल मिर्च और ये सूखा धनिया।
गाइस हमारा डिनर रेडी हो गया है। ये देखो लोबिया, यस लोबिया की ये सब्जी भी रेडी हो गई है। यहाँ पे किनोवा भी रेडी हो गया है गाइस। ये देखो गाइस अभी मुझे टोफू फ्राई करना है, मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट दिया है इसको, अभी फ्राई करते हैं ठीक है इसको। रेडी है, इसके ऊपर मैंने काली मिर्च और नमक का पाउडर ऐड किया है इस पर। तो गाइस ये देखो मैंने थाली लगा दी है डिनर की अपने हस्बैंड के लिए। ये देखो ये सैलेड और ये बास सब्जी जो लोबिया की मैंने बनाई वो, और ये टोफू और ये किनोवा, ये वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छी है, हेल्दी है ये सब। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि का आपको टाइम पे टाइम नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे प्लीज़ गाइस। और भी अच्छी अच्छी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। ये कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।